सुबह की दिनचर्या बनाएं। बहुत सारे लोग बस दिन भर आलस से भरे रहते हैं। यदि आप एक अच्छी सुबह की दिनचर्या विकसित करते हैं तो आपके दिन का 10 गुना अधिक उत्पादक होंगे और आप अपने सपनों को प्राप्त करने के बहुत करीब होंगे। एक्सरसाइज शुरू करो, चाहे जिम जाओ या फिर छत पर, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करना है। व्यायाम करने से न केवल आप बेहतर दिखते हैं बल्कि आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं। यह आपको बहुत अधिक खुश करता है और यह चिंता और अवसाद से लड़ने का एक शानदार तरीका है। ध्यान लगाना शुरू करो, सोने से पहले ध्यान प्रार्थना के बारे में सोचने का एक शानदार तरीका है। आप अपने विचारों को अधिक आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अगला दिन किस तरह से बेहतर बनाएंगे। 7 घंटे से ज़्यादा सोना है, पूरी रात अपने फोन पर रहकर खुद को नींद से वंचित करना बंद करें। यह आपके काम करने की पावर कम करता है, आपकी मांसपेशियों की वृद्धि को रोकता है और भविष्य में मानसिक रोग की संभावनाओं को बढ़ाता है। स्वस्थ आहार लो, हम सभी ने कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। यह सच है, स्वस्थ भोजन करें और आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अस्वस्थकर भोजन करने से आप धीमा और सुस्त महसूस करेंगे। मात्र 10 पेज पढ़ो, एक दिन में 10 पेज का मतलब है 52 दिन में 520 पेज। ज़्यादातर किताबें 180 पेज से ऊपर नहीं होती, मतलब इन 52 दिनों में लगभग 3 किताबों से ज़्यादा पढ़ लोगे, जो कि 2023 की शुरुआत करने में आपकी बुद्धि का विकास करेंगी। दोस्तों, क्या आप इन बचे 52 दिनों में इन आदतों को अपने साथ शामिल करना चाहोगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।